हे गाइस, तो अभी मैं हूँ सेंट मिरावली रोड पर। ये है मुरादाबाद में, हाईवे के पास पड़ती है। और अभी हम आइस वाटर चल रहे हैं। देखो मौसम कितना बढ़िया। और ये सेंट मेरा स्कूल है अभी आके जाके, और ये कुछ काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पर। रोज लोग मतलब यहाँ पे टहलने के लिए, जॉगिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। और ये देखो सेंट मेरा के ऊपर कितना अच्छा सा मौसम लग रहा है, बहुत तगड़ा सीन है। मतलब मौसम तो मौसम हो रहा अभी बाइक पर, और हवा शायद अब थोड़ी हवा वगैरह आ जाएगी। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर सनी एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। यू गाइस, आज व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है। मुझे पता है काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है। डेली व्लॉगिंग चल रही थी हमारी, लेकिन वो शायद मैं पूरी नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। मतलब बताऊंगा उसका आने वाले व्लॉग्स जो आएंगे उसमें रीज़न तो पता लगेगा। और मौसम काफ़ी अच्छा, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ और व्लॉग स्टार्ट कर भी दिया। और अभी हम आगे बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ये। और इसका मुझे नहीं पता इसका टाइटल या थंबनेल क्या डलने वाला है अभी, क्योंकि रैंडमली व्लॉग जो होते हैं, डेली व्लॉग्स वैसे स्टार्ट होते हैं, उनका पता नहीं होता कि क्या टाइटल और थंबनेल डलेगा। देखो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, और मौसम अच्छा हो ही रहा है। और ये जो फील्ड है, ये फील्ड मतलब जैसे हम मारुति सुजुकी के अरेना से बिल्कुल ठीक सामने आते हैं दिल्ली रोड से, तो ये अंदर जाके ये फील्ड पड़ती है। और यहाँ पे शाम को टहलने के लिए लोग आते ही हैं अक्सर, और यहाँ पुलिस भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, चेकिंग वगैरह के लिए। और यहाँ कार सीखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ कार सीखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कार सीखने के लिए आ सकते हैं, और मैच वगैरह भी यहाँ खेलते रहते हैं, गेम्स वगैरह चलते रहते हैं। और सामने हमारे चारी है एक कार, और अभी ऊपर ये देखिए, ओ माय गॉड, ऑसम। और ये वापस से हम उसी रोड पर बैक में आ गए, क्योंकि सामने रेनबो भी है। रेनबो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अभी आगे जाके मैं जूम करके और रुक के दिखाता हूँ कि रेनबो कैसा है। तो गाइज ये रेनबो सामने, थोड़ा सा इसमें आपको कलर दिख रहा होगा, येलो पिंक ब्लू टाइप के कुछ। और ये पूरा जा रहा है, देखो कैसे सच बन रहा है। तो और बादलों में होता हुआ पीछे को जा रहा है ये। और इधर मैं दिखाता हूँ तो इधर भी थोड़ा सा दिख रहा है ये, देखो जूम करके। और फिर से हम रोड पर चल पड़े तो सामने देखो, अब ये आपको पूरी लाइन सी बनी हुई दिख रही होगी। और मतलब अच्छा सा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। और हम ऐसी फनी मूवमेंट्स करते रहते हैं कैमरे के साथ, काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये सेंट मेरा वापस से पड़ा, क्योंकि हम पीछे को वापस से जा रहे हैं। और इधर की साइड भी फील्डी, यहाँ फील्ड्स वगैरह बहुत हैं। और शाम को मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बहुत लोग आते हैं, जो आर्मी की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। और इधर ये रियल इस्टेट का काम हो रहा है कुछ, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बननी है, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं। और ये भी इधर थोड़ा तालाब सा भी है बना हुआ। तो गाइस आज पता नहीं क्या हुआ, आज रिलायंस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया था बिल्कुल, पता नहीं क्यों। और ये कार में तो शायद डीजल वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था। जैसे ही देखो अभी स्कूटी वाला भी जा रहा है, अभी सामने जो पुलिस और मतलब पेट्रोल वाले खड़े हैं, अभी देखो ये मना कर देंगे। पता नहीं है या नहीं है, ख़त्म हो गया क्या है, अभी उसको ही मना कर देंगे। सबको मना कर करके ऐसे ही भेज रहे हैं वापस अभी, क्योंकि हम भी गए थे। और इससे आगे जाके कुंदन एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ है, क्योंकि रिलायंस पेट्रोल, यहाँ दो पेट्रोल पंप हैं हाईवे पे, तो रिलायंस पेट्रोल पंप पे तो बंद है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। और ये महिंद्रा का शोरूम के बराबर में कुंदन पेट्रोल पंप पड़ता है, बल्कि यहाँ देखो यहाँ कितनी भीड़ है, ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर तो मतलब वो है ना कि पेट्रोल पंप वाला बंद है, तो यहाँ काफ़ी भीड़ है ही। और ये सामने से क्रेटा निकलती हुई, और अंकल स्कूटर लेके जा रहे हैं। ये देखो पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो भैया लेके आने पैदल पैदल। और ये रेनबो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, हमारे साथ चलता जा रहा, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे सामने। और ये चरण सिंह चौक पड़ती है यहाँ पर, जिसको फव्वारा कहते हैं। और ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, रामपुर 32 किलोमीटर। और ये सीधा सीधे हम चलते जा रहे, अब हम सीधे नहीं जाके मझोले की तरफ मुड़ेंगे। ये है चरण सिंह चौक की मूर्ति, चरण सिंह जी की, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लॉग में। और ये हम अब चल रहे हैं कहाँ, ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये यहाँ खड़े रहते हैं, कभी कभी चेकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और अब चल रहे हैं मझोला मंडी समिति की ओर, मतलब मेरे ऑफिस की ओर, जहाँ मेरा ऑफिस है। और चलते जा रहे हैं वहीं, और उसके बाद आगे देखते जाओ टाइम लैप्स की तरह, एंजॉय करो म्यूज़िक के साथ वीडियो,
और ब्लॉग में बने रहो क्योंकि ब्लॉग आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो प्लीज से ब्लॉग में बने रहे और मजे लेते ना टाइम लैप्स के। क्यों हे व्हाट्सअप गाइस, तो उसके बाद अभी सेंट विना के बाद पारासोर में आ गए थे अपने घर, और उसके बाद हमारा नाइट आउट का प्लान बन गया तो राहुल के घर में। गाइस उसके बाद मैं आ गया था राहुल जोन के घर पे, तो अभी मैं हूँ राहुल के घर पे और ये राहुल मेरे साथ है और आर्यन भी मेरे साथ है। तो और अभी हम क्या करने जा रहे हैं भाई बता दो। आज हम जा रहे हैं बिरयानी बनाने। तो आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी राहुल के घर पे। तो आप पूरे वेज बिरयानी का देखना रेसिपीज वगैरह, हमें खुद नहीं पता कैसे बनाता, लेकिन आज बनाने की पूरी कोशिश है भाई को आती सब। तो पूरी कोशिश है भाई बनाने की, तो बनाएंगे उसको वेज बिरयानी को और मैगी वगैरह बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं। डेली ब्लॉग्स काफी दिन से नहीं आ रहे थे यार, मुझे पता है काफी दिन से डेली ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि आपको आगे जाके पता लग जाएगा, शायद मैं बता दूंगा कि डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे काफी दिन से। तो अब ये कुकर खाली करा जा रहा है राहुल जोन, अपना कुकर खाली करना है। तो ये पहले खाली करा जा रहा है चावल, इसमें दोपहर के ये है बरी, और बरी भी निकाल के रख दी है। तय बिरयानी का काम कहाँ तक पहुँचा, और अभी भैया बरी वगैरह ये सब इन्होंने, अच्छा अबे यूट्यूब पर देख रहा है क्या तो भाई मैंने भैया यूट्यूब पे देख रहा है। प्याज व्याज सब छील के रख दिया, ये देखो एक और प्याज छील ली और टमाटर वमाटर सब रखे हैं। ये जो फैन चल रहा है अपना, तो भैया अभी ये प्याज भूनी जा रही है, मसाला फसाला सब ओके। ये हमारे काफी सारे दही के पैकेट भी रखे, सो भाई बनी भी डाल दी है अभी मैंने इसके अंदर। देखो हैंड टू हैंड बर्तन भी साफ हो रहे हैं तगड़े करके यार, मुझे ये मनमाना टैटू बड़े लगता है हाथ पे, है ना। गाय ये देखो पानी गिरा दिया सब में इसने, यहाँ तो पूरे गिलास पानी भाई मैंने रायता, और ये देखो पूरा चलाया जा रहा है एकदम दही का पैकेट, और दही का पैकेट खोले जा रहा है, एक पैकेट खोल दिया दूसरा पैकेट भी आ गया। तो गाइस बूंदी लेने के लिए निकला हूँ रात में इस टाइम, शॉप से बूंदी लेने के लिए आया हूँ क्योंकि बूंदी छोड़ गए थे साले, पता नहीं यहाँ पे यार रात में भागना पड़ा, स्कूटी लेके आया हूँ उसकी उठा के बूंदी लेता हूँ। बूंदी का पैकेट ये मैंने ले लिया और यहीं छोड़ गया था रात में, निकला तुम्हारा सिविल हॉस्पिटल के बाहर। जीरा पीरा सब ओके कर दिया और मैं बूंदी का पैकेट ये भी ले गया हूँ, जैसे कि आपने देखा मैं इतनी दूर से बूंदी का पैकेट ले गया स्कूटी चला के, क्योंकि इन लोगों ने हद कर दी थी और ये पूरी बूंदी डाल दी भाई ने। तो गाइस अपना सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी आ गया है ये, हमने रायता बना रखा और ये हमारी खिचड़ी ज्यादा लग रही है, बिरयानी कम लग रही है, तो पता नहीं कैसे बना, राहुल भाई बताओ थोड़ा सा। महाराज ने बना दी है खिचड़ी पूरी तरीके से, बिरयानी सही में कम लग रही है, हाँ बस पेट भरा नहीं है, भरा जाएगा अब खाएंगे हम। और रात में से सो के उठा हूँ मैं, मतलब सो के तो मैं सुबह उठ गया था और अभी क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब सुबह से देख रहा हूँ कि बारिश बैक टू बैक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश, और सुबह मुझे शूट पर भी जाना, सुबह से बारिश लगातार पड़ रही है, अब तो मुझे लग रहा है कि इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। और देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, तगड़ा व्यू है ब्रो, मतलब सामने हॉस्पिटल इतना बड़ा सा, वाइड एंगल में ऊपर बादल। कैसा लगा आपको ब्लॉग, और लाइक करें ब्लॉग को, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग और ऐसी डेली अपडेट्स मैं आपको आगे देता रहूँगा। और अभी सोकर ही उठाऊँ तो मैं सोचा ब्लॉग का अभी एंड कर दूँ, क्योंकि रात में ब्लॉग का तब एंड हुआ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।